हेलो फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा सनफ्लावर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है रिक्लैप लेस जो होती है, या जिगजैग लेस। वो इस तरह की लेस है जो ये जिगजैग पैटर्न के साथ आती है। इसके अलावा आपको चाहिए 2 सुई, वाइट थ्रेड, येलो कलर की ऊल या कोई भी कलर की ऊल जो आप चाहती है, एक क्रोशेट हुक। आइए अब हम आपको कैसे बनाना ये बताते हैं। सबसे पहले लेस को निकाल कर, ये देखिए इस लेस में ये पीक्स हैं। हम लोग लेस को निकाल कर 26 पीक्स गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही 26 पीक हो जाने के बाद अपनी लेस को काट लेते हैं, यानी जो लेस की लेंथ रहेगी काटने पर उसमें 26 पीक्स होनी चाहिए। उसके बाद जब ये 26 पीक्स वाली हिस्सा में मिल जाए, फिर इसे डबल फोल्ड करते हैं। बीच से फोल्ड कर दिया है हमने, ये याद रखते हैं कि कहीं भी इसमें बीच में झूल नहीं आना चाहिए। इन एंड्स को हम लोग सुई की मदद से अच्छे से टाइटली सिल लेते हैं। दोनों कोनों पर हम अच्छे से सिल रहे हैं। लगा देंगे, उसके बाद हम अपनी धागे को छोटा सा काट देंगे और यहाँ से भी थोड़ा बहुत ये फूचड़े काट लेंगे। फिर हम अपने इस एंड को सिक्योर करेंगे, इसके लिए इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर 10 के 1-2 स्लाइड लगा देंगे जिससे यहाँ से हमारे धागे बाहर ना। आप चाहें तो बटन होल स्टिच या कार स्टिच मतलब से भी इन एंड्स को बंद कर सकते हैं। हमने अपना एंड सिल लिया है, देखने में आगे से ये इस तरह का दिखाई देगा, यानी हमें अगर हम देखें तो जिगजैग पैटर्न में कोई अंतर नहीं आया। इसके बाद फर्स्ट वाली सुई से हम लोग को इस तरह से सभी पीक्स पर सिलते हुए चले जाना, जितनी भी पीक्स हैं उनके ऊपर सब पर ऐसे कच्चे तारे की तरह सिलते हुए जाना। देखिए सभी पीक्स को हमने ऐसे जोड़ दिया है पूरे दिन में, जहाँ से एक पॉइंट से शुरू किया था और एक पॉइंट पर ख़त्म कर दिया। इसके बाद दूसरी सुई से हम लोग ये वाली सुई को एक तरफ कर लेते हैं। अब दूसरी सुई से जहाँ से हमने ये सिला है, जहाँ पर हमारा पहला सीम है, उसके बाद वाले हिस्से पे हम लोग सिलना शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं सुई, जितने भी हमारे डीप्स हैं सब में ऐसे ऐसे सिलते हुए चले जाते हैं। मतलब एक डीप से हम लोग थ्रेड को ऊपर लेंगे, एक डीप पर हम लोग थ्रेड को नीचे लेंगे, होल आउट हम पूरे रिंग में ऐसा ही करते हुए चले जाते हैं। एक डीप में ऊपर लिया, एक डीप से नीचे लिया। देखिए हमने हर डीप्स पर सिलते हुए लास्ट में जहाँ से हमने सिला था, इंक्लूडिंग ये जो हमारा सीम था इसके भी अंदर हमने डाल के इधर से निकाल लिया। ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब धीरे धीरे कर हम अपनी सुई को खींचेंगे, दूसरी सुई को भी खींचेंगे, यानी दोनों धागों को हमें खींचना। देखिए इस वाले धागे को भी खींचेंगे, थोड़ा सा एंड को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी है। अब फर्स्ट वाली जो हमने अपनी पीक्स वाली जो सुई थी उसको लेकर टाइटली हम यहाँ पर बांध देंगे, पीछे की तरफ हमें अपनी सुई को टाइटली बांध देना। बांध देना मीन्स नॉट लगा देना, नॉट लग गई, अच्छे से नॉट लगा देना। अब हमारे पास एक ये सुई है, हमें क्या करना है, इस सुई को हल्का सा लूज रखना है जिससे हमारी पेटल्स अलग अलग डिस्टिंक्ट दिखे। फिर जब ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पीछे यहाँ पर भी गांठ लगा देंगे। फिर हम काट लेंगे, ये फूल ये फ्लावर रेडी है। अब हम बीच वाला जो हमारा येलो पोर्शन है, या आप जिस भी कलर का चाहते हैं वो वाला हिस्सा है, वो हम बताने जा रहे हैं। उसके लिए हमें ये टूल अंडर क्रोशेट हुक लगेगा। सबसे पहले अपने इंडेक्स फिंगर पर इस तरह से थ्रेड को लपेटना है, मैजिक सर्कल बना रहे हैं। फिर हुक को ऐसे इंसर्ट करते हुए एक फंदा ले लेना है और यहीं पर इसे एक फंदा बना लेना है। अब हमारा ये रिंग तैयार हो गया है। इसमें हम लोग 6 सिंगल क्रोशेट्स बनाएंगे इसी रिंग में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये लास्ट का 6। 6 सिंगल क्रोशेट होने के बाद हम अपने ये धागे को खींच देंगे जिससे ये ऐसा बन जाएगा, गोल सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। धागे को कस के खींच दिया, गोल हमारा बन गया। उसके बाद हमने अपनी ये वाला धागा भी काट दिया, हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनकर आ गया। अब इस धागे को इसके पीछे फोल्ड करते हुए
और हम यहाँ सिल देंगे। हमने येलो कलर का पहले से बना रखा है, इसके धागों को पीछे ऐसे फोल्ड करके अपने फ्लावर पर रख देते हैं और पीछे की तरफ से थोड़े से सारे धागे दर्शाएंगे। पीछे की तरफ से थोड़ा सा सुन लीजिए और फिर अपनी सुई को एक कोने में से होते हुए आगे ले जाते हैं और फिर आगे ऐसे ही ऊपर नीचे करते हुए सिल देते हैं। सिल लेने के बाद हमारा ऐसा फ्लावर रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।